सारे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं और लंच टाइम पे सब लोग लंच करने साथ में बैठते हैं। लेकिन 3-4 दिन से हर रोज कोई एक लड़के का टिफिन चोरी हो जाता है। कोई हर रोज किसी का टिफिन चोरी करके उसका टिफिन खा जाता है। वो बच्चा कोई और नहीं, ये जीवो है जो हर रोज एक टिफिन चोरी करके खा जाता है। वो मंडे के दिन मगन का टिफिन चोरी करके खा गया था। फिर ट्यूसडे को तुषार का टिफिन खा गया था। फिर वेंसडे को वाली का टिफिन खा गया और थर्सडे को टीना का टिफिन खा गया। तो जीवा अब फ्राइडे को किसका टिफिन खाएगा? पवन का, बद्री का, बुद्धूराम का, के फेस्मा का? क्या आप लोग बता सकते हो? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता पाए कि फ्राइडे को जीवो किसका टिफिन चोरी करेगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा तो हर रोज डेज के स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर पे जिस लड़के या लड़की का नाम आता है उसका जीवो टिफिन चोरी कर लेता है। जैसे मंडे को मगन, ट्यूजडे को तुषार, वेंसडे को वाली एंड थर्सडे को टीना, वैसे ही फ्राइडे को फिजमा का टिफिन चोरी करेगा। क्या आप लोग ये समझ पाए थे? बद्री एंड अमायरा दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन जीवो को भी अमायरा थोड़ी बहुत पसंद है। तो जब भी बद्री अमायरा के लिए चॉकलेट लेके आता है तो जीवो भी उसकी डबल चॉकलेट लेके आता है। पहले दिन जब बद्री अमायरा के लिए एक चॉकलेट लेके आता है तो जीवो दो लेके आता है। फिर बद्री दूसरे दिन 3 चॉकलेट लेके आता है तो जीवो 6 चॉकलेट लेके आता है। फिर तीसरे दिन बद्री अमायरा के लिए 5 चॉकलेट लेके आता है तो जीवो 10 चॉकलेट लेके आता है। तो चौथे दिन बद्री अमायरा के लिए कितने चॉकलेट लेके आएगा? क्या आप लोग बता सकते हो? ध्यान से सोचिए कि बद्री कितने चॉकलेट लेके आएगा और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या आप लोग बता पाए कि बद्री चौथे दिन कितने चॉकलेट लेके आएगा? यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो बद्री हर दिन के बाद 2 चॉकलेट बढ़ा देता है। पहले दिन 1, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 5, मतलब 2-2 चॉकलेट उसने ज्यादा लाई। तो वो चौथे दिन 5+2, 7 चॉकलेट अमायरा के लिए लेके आएगा और जीवो उसकी डबल लेके आएगा, 14। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता पाए थे कि बद्री कितनी चॉकलेट लेके आएगा अमायरा के लिए? जो हाँ, तो आप लोग तो बहुत ही क्लेवर हो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे इमोजीज की फोटो आई है जिसमें से आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। ध्यान से इस पिक्चर को देखिए और इनमें से कौन सा इमोजी अलग है वो ढूंढ के इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे ये वाला ऑड वन आउट है। एक बार जीवो सब लोगों के पास खेलने आता है और एक तस्वीर लेके आता है और वो तस्वीर सब लोगों को दिखाता है और बोलता है, यहाँ पे मैं घूमने गया था। उसकी ये तस्वीर आप लोग देखो, कितनी ब्यूटीफुल है। ये तस्वीर देख के बद्री तुरंत ही बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पे घूमने ही नहीं गए। क्यों बद्री ने ऐसा क्यों बोला, क्या आप लोग बता सकते हो? तो दोस्तों, क्या आप लोग बता पाए कि बद्री ने ऐसा क्यों बोला? तो दोस्तों, क्या आपने यहाँ पे ये तस्वीर ध्यान से देखी थी? यहाँ पे पीछे सूर्य है, फिर भी जीवो एंड ये तीन उनकी परछाई नहीं पड़ रही, मतलब ये पिक्चर एडिट किया हुआ है। जीवो झूठ बोल रहा है कि मैं यहाँ पे घूमने गया था। ये देख के बद्री तुरंत ही समझ गया था। क्या आप लोग भी समझ पाए थे? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। दोस्तों, चलिए आज मैं आपका मेमोरी टेस्ट करती हूँ। इस फ्लावर को देखिए, इस जूते को देखिए,
इस बोतल को देखिए, इस कमरे को देखिए, इस बैग को देखिए, इस लड़की को देखिए। आपने इसमें से किस फ्लावर को देखा था? आपने इसमें से किस जूते को देखा था? आपने किस बोतल को देखा था? आपने इसमें से किस कमरे को देखा था? इसमें से किस बैग को देखा था? इसमें से किस लड़की को देखा था? दोस्तों, आपके कितने सही आंसर हुए मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आपने सारे सही आंसर दे दिए तो आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है। फ्रेंड्स, आपके सामने एक पिक्चर आई है जिसमें बद्री एंड बुद्धूराम दोनों ही इस बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं। इस पिक्चर को देख के क्या आप लोग बता सकते हो इनमें से कौन मरने वाला है? ध्यान से इस पिक्चर को देखिए और आपका आंसर मुझे नीचे कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता पाए यहाँ पे कौन मरने वाला है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे लिफ्ट की डायरेक्शन देखनी है। बुद्धूराम जिस लिफ्ट में बैठा है वो लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, लेकिन बटन ऊपर की तरफ का प्रेस किया हुआ है तो लिफ्ट खुलेगी ही नहीं। जबकि बद्री की लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और बटन भी नीचे की ओर का प्रेस किया हुआ है तो उसकी लिफ्ट नीचे आके खुल जाएगी। और लिफ्ट के बाहर तो दो ज़ॉम्बीज खड़े हैं। जैसे लिफ्ट खुलेगी और बद्री बाहर आएगा, तुरंत ही दो ज़ॉम्बीज बद्री पे अटैक कर देंगे। तो यहाँ पे बद्री मरने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी ये समझ पाए थे? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा।